सर नमस्कार। नमस्कार। आज संजय अब्बास खान को आपने समर्थन दिया है, तो क्या सोच के दिया है और आगे जिला परिषद चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, थोड़ा सा बताइए। सोच के तो यही दिया है कि हम जननायक जनता पार्टी के परिवार को मजबूत कर रहे हैं और इन्होंने आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की और दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है, जननायक जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है, तो इन्होंने आज परिवार को ज्वाइन किया है और इनके आने से परिवार को ताकत मिलेगी और ये पार्टी और मजबूत होती चली जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास और भरोसा है। अरविंद जी आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो संजय अब्बास खान जी ने जो हमारी पार्टी ज्वाइन की है, सबसे पहले तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ जो हमारी पार्टी को मजबूती दी है उसके लिए बड़ा आभार उनका। एक भरोसा विश्वास है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने हमेशा अपने साथी अपने कार्यकर्ता का साथ दिया है, यही भरोसा और विश्वास मैं उन्हें दिलाता हूँ कि उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा इस पार्टी के अंदर, इस पार्टी में पूरा हमेशा उनका साथ दिया जाएगा और वो चुनाव की तैयारी करें। हम उनकी तरफ से दुष्यंत चौटाला जी को और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पैरवी करेंगे कि इनको समर्थित उम्मीदवार घोषित करें और ताकि इनकी जीत सुनिश्चित हो और जीत कर आएँ और हमारी पार्टी को मजबूत करें। हाजी करामत अली, क्या कहें? सर आज मेरा छोटा भाई संजय ने पार्टी ज्वाइन की है, कई दिन से हमारी बात चल रही थी, कई रोज़ से हम एक दूसरे के संपर्क में थे, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास जाना था इनको, वो किसी कार्य से व्यस्त हो गए, उनकी जगह उपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय सचिव कृष्ण जाखड़ जी आए हैं, इधर अरविंद भारद्वाज जी आए हैं, इन्होंने पार्टी का पट्टा बना करके संजय भाई को पार्टी में ज्वाइन कराया। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि चुनावी दौर चल रहा है, पार्टी की तरफ से लगभग हमारा 99% प्रत्याशी भी फाइनल है और संजय खान जी ही पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रहेंगे, बस लास्ट मोहर लगनी बाकी है, वो आज या कल में लग जाएगी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 3 का समर्पित उम्मीदवार संजय खान जी होंगे और ये भी विश्वास है मुझे कि ये जीत कर भी आएंगे और हम इन्हें जिताने का काम भी करेंगे। हमारी पार्टी भी मेहनत करेगी, पार्टी के सीनियर नेता भी मेहनत करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम भी होंगे, रैलियाँ भी होंगी, हम भी आएंगे, हमारे सीनियर नेतागण भी आएंगे और संजय भाई के कंधे से कंधा मिलाकर जननायक जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार संजय खान जी को जिताने का काम करेंगे। और यहाँ पर आपने 20-25 लोगों को पटका भी पहना दिया जेजेपी, वो सब हमारे भाई हैं, सारे साथी हैं, जब संजय खान आता है तो परिवार तो साथ आता ही है और ये संजय खान जी के मिलने जुलने वाले सारे दोस्त हैं, जब संजय खान जाएंगे तो अकेले थोड़ी नहीं, संजय खान के साथ पीछे काफिला है, ये जीतने वाले प्रत्याशी हैं। यहाँ तो सुबह सुबह का वक्त था, नहीं हज़ारों की भीड़ होती, अगर हम टाइम रख करके अगर इस प्रोग्राम को अंजाम देते तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है आप, और ये तो सुबह सुबह हम आकर के एक चाय के प्रोग्राम पर आज संजय भाई ने ये हमारी पार्टी ज्वाइन की, मैं संजय भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मजबूत करने का काम किया और हम संजय भाई को मजबूत करने का काम करेंगे। चलो अच्छी बात है, हमें भी पता नहीं था आप लोग आने वाले हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, पार्टी में शामिल हुए हैं, समर्थन भी मिला है पार्टी का? मैं ये कहूँगा पार्टी की नीति को जन जन तक पहुँचाऊँगा और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की विचारधारा को छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे मोहल्ले में, हर तबके में पहुंचाने का काम करूंगा जी। प्रचार भी करेंगे पूरा? बिल्कुल जी। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।